ये बात पूरी फैमिली के सामने, स्पेशली रोशनी के सामने नहीं कहनी चाहिए थी। जो कुछ भी हुआ उसमें उस बेचारी की क्या गलती थी? ये बात तो तुम्हें सबके सामने बोलने से पहले सोचनी चाहिए थी। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? अलिया, मुझे नहीं पता कि मैंने कल रात क्या किया था, लेकिन जो तुम कह रही हो वो तो मैं कभी नहीं कर सकता। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मुझे खुद पर यकीन है, रोशनी के लिए अपने प्यार पर यकीन है। मैं बेहोशी में भी रोशनी को कभी धोखा नहीं दे सकता। तो तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक तो अपनों पर किया जाता है, पर हमारे बीच अब कोई रिश्ता है नहीं। मैंने, मेरी फैमिली ने, मेरी वाइफ ने तुम्हारी मदद की, क्योंकि एक मासूम बच्चे की जिंदगी का सवाल था। तुम लोगों ने तुम्हें जगह दी, तुम्हें इज्जत दिया, प्यार दिया, और बदले में तुमने ऐसी बात की जो सच हो ही नहीं सकती। मुझे याद है मैं बेहोश हो गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। उसके बाद वही हुआ जो मैं कह रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता अमन? क्योंकि मैं प्यार में जान दे सकता हूँ, धोखा नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। मैं रोशनी से प्यार करता हूँ, मैं उसको कभी धोखा नहीं दे सकता। प्लीज प्लीज तुम बताओ कि सच बताओ, सच बताओ क्या हुआ था? एक औरत कभी ऐसा झूठ नहीं बोलेगी, और मुझे ये झूठ बोलकर क्या फायदा मिलेगा? मैं इतनी घटिया झूठ कभी नहीं बोल सकती। मैं इतनी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। Please tell me the truth. मुझे बताओ क्या हुआ था? I need to know the truth. मैं झूठ क्यों बोलूंगी अमन? और एक शादीशुदा आदमी के साथ अपना नाम जोड़कर अपने आप को क्यों बदनाम करूंगी? तुम कह रही हो कि हमारे बीच कुछ हुआ था, मैं बेहोश था, तुम तो होश में थी। तुमने ये सब कुछ क्यों होने दिया? तुम्हें नहीं पता मैं एक शादीशुदा इंसान हूं? I don't know, अमन। बहुत दिनों से भागते भागते मैं थक चुकी थी। कल तुम्हारी बाह में आई फेल सेफ, आई रियली फेल सेफ। और हर लड़की का एक सपना होता है कि उसकी एक फैमिली होगी, एक हस्बैंड होगा, एक बेबी। कल एक पल के लिए मुझे लगा था मेरा वो सपना सच हो रहा है। मैं बहक गई थी अमन, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, और मुझे लगा तुम भी वही चाहते हो जो मैं चाहती हूँ। तुम्हें कैसे पता मैं क्या चाहता हूँ? मैं रोशनी को चाहता हूँ। फिर ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं भूल दूं कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, तो मैं कह दूंगी कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। मैं एक माँ हूं अमन, और अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए मुझे इस घर में रहना है, और इस घर में रहने के लिए मुझे अगर सच को झूठ बनाना पड़े तो भी मैं तैयार हूं। मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमारी फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। तुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है रोशनी। मुझे नहीं पता जो गलत हुआ है उसे सही कैसे करूं। मुझे नहीं पता कि मैं आपसे माफी कैसे मांगूं। मुझे नहीं पता। मुझे पता है। बेस्ट जो आप करना चाहते हैं वो बहुत आसान है। क्या करना होगा मुझे? आपको याद है खान बाबा, मैंने आपको बहुत पहले
तीन चीजें करने को कही थी। नंबर वन, आपको कान पकड़ के मेरे को सॉरी बोलना होगा। नंबर टू, आप बोलोगे कि रोशनी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। और नंबर थ्री, व्हाट? आई नो खान बाबा, आप पहले वो तीनों चीजें कर चुके हैं, पर जब आपने की थी तब मैं जिंदा नहीं थी। आई एम सॉरी रोशनी, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। आप वो तीनों चीजें दोबारा कर दीजिए और बस बात खत्म। आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। तीसरी बात इतनी आसान नहीं है। मतलब ये कि आई लव यू कहना जितना आसान है ना, निभाना उतना ही मुश्किल। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि प्यार अपनी जगह है और सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह। मेरा प्यार मुझे आपसे दूर नहीं जाने दे रहा, और सेल्फ रिस्पेक्ट आपके करीब नहीं आने दे रही। वेरी गुड सर, वेरी गुड। अब रोशनी खुद अपनी जान ले लेगी। क्या कर रही हूँ? रोशनी तो आपको पता होगा। पता नहीं खान बाबा, मैंने एक स्नेक देखा और फिर उसको ढूंढते ढूंढते मैं बाहर आई तो पता नहीं मुझे कुछ याद ही नहीं। स्नेक? आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा रोशनी, बट आप नींद में चलते चलते यहाँ कैसे आ गए? पता नहीं खान बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे टच नहीं कर सकते। हाँ। आपको कुछ नहीं हुआ? Thank you.
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।